हसीब रहमान पूछते हैं कि टू गुड टू बी इग्नोर्ड, टू गुड टू बी मिस्ड, टू गुड टू बी ट्रू, ये इस तरह के सेंटेंसेस का क्या मीनिंग होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को अच्छा से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टू का कंसेप्ट समझना होगा। अगर आप टू का कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टू मिस होता है भी, टू मिस ज्यादा या टू मिस बहुत ज्यादा। जब टू वाले सेंटेंसेज में एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह के सेंटेंसेज का सेंस हमेशा नकारात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सो वीक, यानी वह इतना कमजोर है दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल भी नहीं सकता है। तो पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, He is so weak that he cannot walk. वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप टू प्लस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी पहले सेंटेंस में आप लिखेंगे टू, जैसे वह इतना कमजोर है, he is too weak। यहाँ मैं वर्ड इतना के लिए सो नहीं बल्कि लिखा टू। उसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट है, वहाँ सिर्फ आपको लिखना है एक इन्फिनिटिव, यानी टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सिवा आपको कुछ और नहीं लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू वॉक, तो पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता है। यहाँ मैं बता दूं कि मैंने बोला दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेरे इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर मेरे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट रहता तो मैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखता। तो फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस पर गौर करें। यहाँ मैंने पहले पार्ट में लिखा सो और दूसरे पार्ट में लिखा दैट ही कांट, उसके बाद लिखा वर्ब। लेकिन यही ट्रांसलेशन अगर आप टू टू के मदद से ट्रांसलेट करेंगे तो पहले वाले पार्ट में आप सो के बजाय लिखेंगे टू और दूसरे वाले सेंटेंस में आप दैट सब्जेक्ट कांट को हटा देंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे एक इन्फिनिटिव, यानी आप लिखेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बात और अच्छा से समझ में आ सके। वह इतना गरीब है कि वह एक साइकिल नहीं खरीद सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ साइकिल। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं ही इज टू पुअर टू बाय अ साइकिल, यानी वह इतना गरीब है कि वह एक साइकिल नहीं खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस सेंटेंस में मैंने सो के बजाय लिखा टू और इसके अगले हिस्से में मैंने लिखा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो था साइकिल। और इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है कि वह इतना गरीब है कि वह एक बाइसिकल नहीं खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पहला कंसेप्ट समझ में आया कि जब टू के साथ आप कोई इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस हमेशा नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। बातों से सुनने से पता चलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आइए अब उन क्वेश्चंस को देखें जो पूछा गया है। अगर लिखा हो ही इज टू गुड टू बी इग्नोर्ड, तो क्या आप जानते हैं इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह इतना अच्छा है कि उसे अनदेखी नहीं किया जा सकता है या उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ मैंने टू के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों बोला। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि इस तरह के सेंटेंसेज में आप एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि ये भी इन्फिनेटिव ही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का इन्फिनेटिव है। यानी इन्फिनेटिव कभी एक्टिव में होते हैं और कभी पैसिव में। जब ये एक्टिव में होते हैं तो बातों से पता चलता है कि सब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता, और जब ये पैसिव में होते हैं तो बातों से पता चलता है कि किसी के द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, टू डू और टू बी डन, ये दोनों इन्फिनिटिव है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि पहला वाला एक्टिव वॉइस का इन्फिनिटिव है जबकि दूसरा वाला पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव है। टू बीट टू बी बीटन, टू कुक टू बी कुक्ड, टू टीच टू बी टॉट, ये सभी इन्फिनिटिव हैं, लेकिन जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस का इन्फिनिटिव है और जहाँ टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव है। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, जिसका मतलब होता है कि वह इतना अच्छा है कि उसे अनदेखी नहीं किया जा सकता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। वह इतना मक्कार है कि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज टू कनिंग टू बी बिलीव्ड। मैंने इस सेंटेंस में कहा ही इज टू कनिंग, यानी वह इतना मक्कार है। टू बी बिलीव्ड
यानी यकीन नहीं किया जा सकता। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। यह कार इतनी पुरानी है कि मुरम्मत नहीं किया जा सकता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस कार इज टू ओल्ड टू बी रिपेयर्ड। यानी यहाँ मैंने बोला दिस कार इज टू ओल्ड मतलब यह कार इतनी पुरानी है, टू बी रिपेयर्ड की रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता। यह इतनी गंभीर बात है कि इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज टू सीरियस मैटर टू बी इग्नोर्ड। यानी यह बात इतना गंभीर है या सीरियस है कि इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टू वाला कंसेप्ट समझ में आया कि जब हम टू के साथ एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस का सेंस नेगेटिव होता है यानी नकारात्मक होता है। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं बता दूं ऐसे साइको टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।